नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। आप समस्त श्रोतागणों को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, रेडियो कुमाऊं वाणी भी आयुष मंत्रालय और सिमका के सहयोग से आप लोगों के बीच योग पर जानकारी और कार्यक्रम ला रहा है। इसी क्रम में आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर हम योग नीलियम संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ एक भेंट वार्ता आप लोगों के बीच ला रहे हैं, जिसमें आप योग, ध्यान और वैदिक ज्ञान इन सब पर उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं योग के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊंवाणी में। प्रणाम सभी को। सर, योग के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। कुमाऊं विश्वविद्यालय से ही यहां से स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात 2009 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, तो वहां से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। 2009 के बाद से, क्योंकि योग विषय वहां मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में लिया और उसके बाद से फिर निरंतर उसी योग विभाग में आगे बढ़ा। फिर 2010 से 12 तक गुरुकुल कामली विश्वविद्यालय हरिद्वार में वहां से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और तत्पश्चात 2013 से लेकर 2016 तक शोध कार्य में गुरुकुल कामली विश्वविद्यालय से पूर्ण किया जी। इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात विभिन्न विद्यालयों में अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। पूर्व में इसे सोगन सिंह बिना जो परिसर है अपना कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, अब नई विश्वविद्यालय बन गया है, तो उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी कार्यरत था। वर्तमान में योग नीलियम शोध संस्थान का निदेशक के रूप में कार्य देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से 2009 से लेकर अभी तक लगभग 12-13 वर्ष की ये मेरी योग की जर्नी हो चुकी है। एक लंबा सफर आपने योग को समर्पित किया है, आप कह रहे हैं कि 12-13 साल आप काम करते हुए आपको हो चुका है। तो सर, जानना चाहेंगे कि योग आखिर इतना लंबा समय अनुभव करने के बाद, योग को समझने के बाद आप क्या कहेंगे कि योग आखिर में है क्या? आज की जो आवश्यकता है, जिसे हम ही अनुभव नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व पूरा समाज इसको अनुभव कर रहा है, वह ही योग है। यह केवल एक मात्र सैद्धांतिक विषय नहीं है, कई लोग इसको सिद्धांत के रूप में लेते हैं, केवल अष्टांग योग विन्यास है, योग सूत्र है, केवल इस रूप में उसको देखते हैं, जबकि केवल सिद्धांत के साथ साथ एक व्यावहारिक विषय भी है। क्योंकि योग की शिक्षा जो है हमारे प्राचीन भारत के जो ऋषि परंपरा में जो मनीषी रहे हैं उन्होंने दी, तो उन्होंने योग का संबंध मन और आत्मा को जोड़ने से बताया। यानी अगर योग करना है तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों विषयों को ध्यान में रखकर के हम लोगों को करना पड़ेगा। इन लंबे समय के अध्ययन के दौरान मुझे जो अनुभव में आया वह योग क्या है, अभी तक मानव जीवन जो है अस्वस्थ रहा है, हमेशा वो अस्वस्थ रहता है, अशांत रहता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कोई व्यक्ति अगर शरीर से स्वस्थ है तो वो मन से बीमार है, और यदि मन से भी स्वस्थ है तो आध्यात्मिक स्तर पे कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ है। इस प्रकार हर किसी व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा भी रहती है जी। इन सबका जो मूल कारण है वो वर्तमान जो भाग दौड़ बढ़ी जो जिंदगी है, जो भौतिकता के प्रति जो आकर्षण है, उसके कारण ये सब हो पा रहा है। सामान्य जीवन में अगर हम योग को लेकर चलते हैं, या योग की अगर हम कहें कि ऐसे परिभाषा के रूप में कि योग क्या है, इसमें सैद्धांतिक रूप में जो संस्कृत में जो व्याकरणाचार्य रहे आचार्य पाणिनि, उन्होंने योग को जो व्युत्पत्ति की व्याकरण के अनुसार, तो उन्होंने कहा युजर योगे और युज समाधो, इन दो धातुओं से धातु रूप में संस्कृत के इनका वर्णन आता है। तो सामान्य अर्थ में हम देखते हैं कि योग क्या है, जोड़ना या मिलाना, यानी दो वस्तुओं को जब हम मिलाते हैं तो उनको योग कहा जाता है जी। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो जीवात्मा है, यानी जो मनुष्य है, जो जीव है, उसका और परमात्मा यानी जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, उसके साथ जब मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। एक तो परिभाषा है सामान्य अर्थों में हम ये ले सकते हैं। दूसरा है जो महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के जो रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने योग का एक व्यापक स्तर पर उस पर अध्ययन किया, उस पर कार्य किया, तो उन्होंने जो योग की परिभाषा बताई, उन्होंने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। उसी प्रकार से जब हमारा मन, बुद्धि, अहंकार
जो का मिला जुला रूप जो चित्त है, जब ये शांत हो जाता है उसको वृत्तियों का हम निरोध कर लेते हैं यानी रोक लेते हैं, तो उसको कहा गया योग। तो योग अब खुद को शांत करने की एक प्रक्रिया है, तो सर इसका महत्व क्या है, क्यों योग को इतना महत्व अभी दे रहे हैं कि विश्व स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरा विश्व योग की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इसके महत्व के बारे में बताएं। इसके महत्व को अब हम दो तीन विषयों के आधार पर समझ सकते हैं या उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो है कि स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन में योग का महत्व क्या है। दूसरा है रोगोपचार की दृष्टि से। तीसरा है व्यक्तित्व परिष्कार। और चौथा है स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र में हम योग को किस प्रकार से ले सकते हैं, उसके योग का उपयोग किस प्रकार से उसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहला विषय बताया कि स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन में क्या महत्व है, तो आजकल का जो वर्तमान जो दौर है वो क्या है, भाग दौड़ भरी हमारी जिंदगी है। तो समय की कमी के कारण, व्यस्तता के कारण और महत्वाकांक्षाएं व्यक्तियों में रहती हैं, तो वो अत्यधिक नौकरी व्यस्त प्रणाली के कारण क्या है, वो तनावग्रस्त रहता है जी। फिर उसके साथ साथ खान पान की अनियमितता हो जाती है, तो उससे शरीर प्रभावित होता है, तो शरीर के साथ साथ वो चीजें भी मन को भी प्रभावित करने लगती हैं। तो इनको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, यानी जो मन से शरीर में जो बीमारियां रोग उत्पन्न करते हैं वो साइकोसोमेटिक यानी मनोकायिक रोग कहते हैं। तो आजकल का जो दौर है ये शारीरिक की जगह मनोकायिक रोगों से ज्यादा आदमी परेशान है। इसमें जैसे हम लेते हैं विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, मधुमेह है, दमा है और अन्य इस प्रकार के जो रोग हैं, ये सब मनोकायिक रोग हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके को ठीक करने के लिए योग का अभ्यास अब अधिकांश लोग उसको अपने जीवन में ला रहे हैं। दूसरा मैंने विषय बताया कि रोगोपचार की दृष्टि से, तो सामान्य तौर पर एक तो मनोकायिक रोग कहा, दूसरा जो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के रोग हैं, चाहे कब्ज है, किसी को साइटिका पेन है, किसी को मन से संबंधित कोई बीमारी है, तनाव में है, अवसाद में है, तो इस प्रकार के जो विभिन्न रोग हैं जो लंबे समय से एक प्रकार से जीर्ण रोग हो गए हैं, तो उनको शांत करने के लिए भी व्यक्ति अब योग के ओर को झुकाव उसका बढ़ रहा है। तीसरा है व्यक्तित्व परिष्कार, यानी व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है, व्यक्तित्व का परिष्कार, तो व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, बौद्धिक विकास आता है, प्राणिक विकास आता है और आत्मिक विकास आता है। तो इन चार पांच विषयों को लेकर के पूरा हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो शरीर के अंतर्गत मैंने सारे विषय बता दिए हैं कि शरीर में किस प्रकार के हम रोगों का निदान करते हैं विभिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम ध्यान की क्रियाओं के द्वारा। इसी प्रकार मानसिक विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, तो जैसे तनाव में है, उत्तेजना में है, किसी प्रकार की लालसा है, तो इसमें बहुत सारे इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं जो आजकल के दौर में जब रोजगार के संसाधनों की कमी है, लोगों व्यक्तियों को विद्यार्थियों को युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में तनाव का और जो अरुचि है उत्तेजना है ये दिख रहा है और उसके कारण उनमें संघर्ष बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या है, उनमें विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके जीवन में हो जाता है। और जो अंतिम में मैंने कहा कि आत्मिक विकास कि हाँ भी यम नियम के द्वारा योग के और ध्यान के द्वारा तो शरीर प्राण मन बुद्धि इन सबका ठीक प्रकार से विकास करता है जी। और स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व का विषय आ जाता है वो है योग के यम और नियम। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की, तो अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आठ विषय आते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला और दूसरा जो अंग है योग का, यम और नियम, तो स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र में इनका जब हम पालन करेंगे तो ये हमारा समाज और जो राष्ट्र है वो उन्नत होगा। इसमें जैसे यम के अंतर्गत हम जैसे पालन करते हैं अहिंसा सत्य सत्य ब्रह्मचर्य यानी समाज में इस प्रकार का भाव रहेगा तो वो अहिंसा का पालन करेगा तो एक समाज शांत भाव से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से सत्य का पालन करेगा, अत्यय का पालन करेगा तो उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। दूसरा मैंने कहा नियमों के द्वारा, तो वैयक्तिक जीवन में वो नियमों का पालन करे, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणाम यानी शुचिता पवित्रता। अब पवित्रता केवल बाहरी शुद्धता नहीं, आंतरिक शुद्धता भी उसको चाहिए। बाहर से तो स्वस्थ है, बाहर से साफ सुथरा रहता है, लेकिन मानस में क्या है, उसके कलुष भरा है, विभिन्न प्रकार के द्वेष भरे हैं, अहंकार भरा है, तो इनको भी दूर करना आवश्यक है।
तो अगर इन व्यक्तियों को यम नियम के द्वारा इसको करता है तो निश्चित रूप से जो हमारा समाज है वह आगे बढ़ेगा और एक उन्नत राष्ट्र की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने बताया कि योग कैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ ही एक उन्नत राष्ट्र निर्माण में के लिए भी व्यक्ति के अंदर चरित्र निर्माण करता है, तो आम व्यक्ति दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करे तो उससे उस व्यक्ति विशेष के लाभ क्या हो सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जो आजकल की जो आवश्यकता है वह केवल शारीरिक और मानसिक रूप से इसको ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। जो तीसरा जो पक्ष मैंने कहा कि आत्मिक विकास की जो बात है वह और आध्यात्मिक विकास है, उस ओर अभी लोगों का रुझान नहीं गया है। अभी कोविड का काल चल रहा है तो कोविड के काल में भी क्या है कि केवल शारीरिक रूप से लोग उसका फॉलोअप कर रहे हैं कि हमें सुबह की सैर है, लॉकडाउन लगा है तो अपने घरों में थोड़ा अभ्यास करें खाली समय, तो उस कारण से केवल उसको फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन नियमित जीवनचर्या में लोग उसको नहीं अपना रहे हैं। उसके कारण क्या है, भविष्य में वो लोग इसे को अपने जीवन में उतारे हैं तो उसके जो सामान्य लाभ उनको सामान्य जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे अगर वो प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपना केवल 20 मिनट भी अगर योगाभ्यास वो करता है, उसमें सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के आपके कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम है, इस प्रकार की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उनको भी करता है, तो उसका जो पूरा दिन है वह एक ऊर्जावान वो बनेगा। और जो उसके दिन भर के जो अपने व्यक्तिगत कार्य हैं, जो उसके सामाजिक जीवन के कार्य हैं, वो बेहतर तरीके से वो उसको संपादित कर सकता है। जी सर, अपने दिन को व्यवस्थित करना और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन शुरू करने के लिए भी आम जनमानस के लाभदायक हो सकता है। जी। लेकिन कहा जाता है सर कि योग असाध्य रोगों में भी व्यक्ति विशेष के लिए मददगार हो सकता है, तो क्या ये संभव है? ये विश्व में अब योग को बहुत व्यापकता मिली है, तो बहुत सारे अनुसंधान कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो अभी जैसे पतंजलि है और इंटरनेशनल कुछ जो योगा इंस्टीट्यूट हैं, एच व्यासा है, आपका मोरारजी देसाई है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, तो ऐसे जो बड़े संस्थान है जो विश्व भर के ऐसे प्रसिद्ध जो योग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं, अनुसंधान कार्य किए हैं कि जिनके द्वारा हम कह सकते हैं बहुत सारे जो असाध्य रोग हैं वह भी योग के द्वारा उनको दूर किया जा सकता है। तो कई लोग अभी कैंसर पे काम कर रहे हैं, कई लोग जैसे अभी वायरोलॉजी के जो कोविड का काल चल रहा है तो इस पे भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। निश्चित ही योग लाभदायक है आपका कहना है, लेकिन जैसे कि पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी के एक भयंकर दौर से में फंसा हुआ है, तो इस दौरान लोगों को कोरोना से उबरने के लिए जिन लोगों को खासकर सांस लेने में दिक्कत थी तो उनके लिए कहा गया कि आप योग करें, खुद को व्यवस्थित रखें, अपने तन और मन को तंदुरुस्त रखें, तो इसमें योग को एक बहुत महत्वपूर्ण दिनचर्या में शामिल करने के लिए बताया गया। तो सर आप बताएं कि कौन कौन से योगासन करें कि जिससे योग कोरोना के दौरान जो श्वसन तंत्र को और मजबूत किया जा सके। इसमें सबसे पहला जो योग के अंतर्गत हमने कहा कि आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, योग निद्रा है, तो विभिन्न प्रकार के अभ्यास हैं। इसके प्रारंभ में एक शरीर की शुद्धि क्रिया के लिए षट कर्मों का एक योग में विशेष स्थान है, यानी षट कर्म यानी छह कर्म किए जाते हैं, वो क्लींजिंग प्रोसेस यानी हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। तो जब शरीर शुद्ध होगा तो उसके आधार पर भी हम आसनों के द्वारा उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं, और फिर प्राणायाम के द्वारा फिर उसको कार्य को और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। तो षट कर्म में मैंने जहां तक कहा था धोती, बत्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, तो ये छह क्रियाएं षट कर्म के अंतर्गत है। इसमें जो कोविड काल आजकल चल रहा है तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो ले रहा है वह है नेति। अब नेति में जल नेति का जो प्रयोग है वह सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि जल नेति में क्या है कि आपको एक नॉस्ट्रल से यानी एक नासिका से आपको पानी अंदर भीतर डालना है और दूसरी नासिका से वो पानी बाहर आएगा। तो इस प्रकार से क्योंकि जो कोविड का जो चल रहा है वो भी श्वास प्रश्वास के श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी नासिका मार्ग से ही कहीं ना कहीं वो रोग भीतर जा रहा है या मुख मार्ग से वो रोग भीतर जा रहा है वो वायरस। तो इसके द्वारा हमारा आंख, कान, नाक, गला जो हम जल नेति करते हैं तो इन सब का उपचार एक साथ हो जाता है। तो सबसे पहला तो है जल नेति योग के अंतर्गत, तो इसका अगर नियमित वो अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से वो कोविड से भी बच सकता है और इसके साथ साथ जो उसके श्वास संबंधी समस्याएं हैं या जो गंभीर दमा की स्थिति में आ जाता है, ब्रोंकाइटिस किसी को हो जाता है,
आपका नेत्र रोग है, मस्तिष्क संबंधी कोई रोग है, तो वह इस जल नीति से निश्चित रूप से उसको निदान हो सकता है। दूसरा, कोविड काल के दौरान हम कुछ आसनों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका भुजंगासन है, यानी हमारे जब लंग्स से जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारे फेफड़े लंग्स जो फैलते हैं, तो जब हमारे लंग्स से फैलेंगे उसका एक्सपेंशन जितना होगा तो हम उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा को लेवल को अंदर भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे भुजंगासन है, शशांकासन है, उष्ट्रासन है, आपका धनुरासन है, जिसमें हमारे लंग्स से एक्सपेंशन करें यानी वो फैले, तो इस प्रकार के जो अभ्यास है आसनों के अंतर्गत इससे लाभ उसमें मिलेगा। और दूसरा प्राणायाम है, प्राणायाम के अंतर्गत आपका कपालभाति है, भस्त्रिका है और भ्रामरी, विशेष रूप से भ्रामरी का यहाँ ज्यादा लाभ है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम। भ्रामरी के अंतर्गत क्या है कि कोविड के काल के दौरान क्या है, लोगों में जो अभी रिसर्च आई है या जो अभी अध्ययन आया है उसने ये बताया कि मानसिक रूप से लोग ज्यादा, जो पुराने जो पेशेंट थे, गंभीर पेशेंट थे, वो तो किसी गंभीर समस्या के कारण उसके शिकार हुए, लेकिन मानसिक रूप से भी जिन्होंने अपना मन को स्टेबल नहीं कर पाए किसी चिंता के कारण, उसके कारण भी बहुत सारे ऐसे केस हुए कि लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। तो मानसिक शांति के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपने और हमने महसूस किया कि बहुत सारे लोग वापस अपने घरों में आए, और जो लोग घरों में थे, जो पहले से यहीं रह रहे थे, वो अपने घरों में लॉकडाउन की वजह से उन्हें घरों के अंदर ही रहना पड़ा, इससे बहुत सारे लोग अवसाद के शिकार भी हो गए। तो योग या ध्यान उन्हें एकाग्र करने का कुछ मार्ग दिखा सकता है, क्या ये उपयोगी हो सकता है उनके लिए? जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। बहुत सारे योग के संबंध में जो मैंने अनुसंधान कार्य हमने अध्ययन किए हैं या हमारे सामने विषय आते हैं, तो योग मनोविज्ञान इस बात को अपना स्वीकार करता है कि जो मनुष्य है अपनी प्रतिभा का केवल 10% वो अपने उपयोग करता है, 90% का वो उपयोग नहीं कर पाता, ये साइंटिफिकली प्रूफ है जी। लेकिन क्या है, इसमें क्या है कि हमारे मस्तिष्क को जो मन की जो तरंग है या उसको जागृत करने के लिए, उसका जो सर्वांगीण विकास करना है, उसके लिए भी योग अपना महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो जीवन में कष्ट आते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, पुरुषार्थ है, द्वेष है, राग है, तो आदि सारी चीजें मन से ही हमारे उत्पन्न होती हैं। तो इनके कारण जब हम इनके साथ समायोजन ठीक प्रकार से नहीं बैठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम तनाव के, अवसाद के, इन रोगों के हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा योग का पहला तो है यम और नियम, जो मैंने कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अगर इसको जीवन में व्यक्ति फॉलो करता है तो एक सकारात्मकता उसके जीवन में आती है, तो उसके कारण वो अपने को स्थिर रख सकता है और इन रोगों से दूर रख सकता है। और क्योंकि सबसे जो विचार है, विचारों जो नकारात्मक, दो प्रकार के विचार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, हम लोग सामान्यतः जानते हैं, तो इन सब विचारों का जो मूल स्रोत है वो क्या, मन है। तो मन से ही इस प्रकार के विचार हमारे उत्पन्न होते हैं, यानी मन सकारात्मक तो हमारा सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो ये जब मन अपने आप में नियंत्रण में आ जाएगा तब जो हमारा आचरण है, विचारधारा है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हम लोग मेंटली नेगेटिविटी की ओर जाते हैं। कई युवा जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होकर आगे, तो उनके जीवन में आगे समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि उसका शुरू से अभ्यास वो बन गया है कि वो किसी के अंतर्गत काम करता है, वो उसने सेल्फ अपना को, उसका जो आत्मविश्वास है वो कभी जागा नहीं। तो इनके द्वारा, इस योग के द्वारा वो अपने आत्मविश्वास को जगा सकता है और एक संकल्प शक्ति उसके जीवन में आती है। तो जब संकल्प शक्ति उसके जीवन में आती है तो सारे काम को फिर आसानी से कर सकता है। अंत में जाते जाते आज योगा दिवस के विशेष अवसर पर आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश अगर छोड़ना चाहें तो प्लीज, आपका स्वागत है। योग निलियम की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में हम बहुत लंबा अभ्यास हमारा नहीं हो पाता है या हमने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो फिर भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम है, कम से कम केवल 15 से 20 मिनट का भी अगर हम अभ्यास अपने जीवन में करते हैं, केवल सूर्य नमस्कार का, बहुत सारे योग प्रशिक्षक हैं, बहुत सारे महाविद्यालयों से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, योगा ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग निकले हैं, तो किसी से भी ऐसा संपर्क करके हम लोग उसे योग को अपने जीवन में अपनाएं। केवल शारीरिक नहीं, जैसे मैंने कार्य में कहा, शरीर, मन, बुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए अपने इस योग को निश्चित रूप से हमें केवल 15 से 20 मिनट का समय भी अगर हम प्रतिदिन देते हैं तो उसका लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा। जी सर,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं को योग के बारे में विस्तृत तौर से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको।